हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD4 एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशंस के जो पेपर्स हो चुके हैं वहां से सेलेक्ट करके लाया हूं, जो कि SSC, रेलवे, बैंकिंग या UPSC का कोई भी इस तरह का एग्जाम होता है उन सब में बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द लीस्ट नंबर which should be divided by 5, 7, 11 and 13, then remainders are 2, 4, 8, 10 respectively. The options are 5005, 5002, 5008 and 5029. Okay friends, इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। देखिए, कह रहा है कि वो छोटी से छोटी नंबर जो है फाइंड आउट करिए जिसको 5, 7, 11, 13 से डिवाइड करने पर remainders 2, 4 या रिमाइंडर्स को हिंदी में बोलते शेषफल 2, 4, 8 और 10 बचता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है उनके बीच में देखिए कांस्टेंट गैप है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, मींस 5 - 2 = 3 हो गया। फिर जब 7 से डिवाइड करते हैं उस छोटी नंबर को तो रिमाइंडर 4 बचता है, तो ये देखिए 7 - 4 = 3 और 11 - 8 = 3 एंड 13 - 10 = 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए एक कांस्टेंट डिफरेंस है जितने डिवाइजर्स और रिमाइंडर के बीच में, तो ये 3 रखे रहेंगे। अभी इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं। इसके लिए देखिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे पहले। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हिंदी में बोलते इसको LSA, तो ये एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 5, 7, 11 और 13 का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां 5, 7, 11, 13 सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम के लिए इनको बस जो है क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई कर देते 5 × 7 × 11 × 13। तो ये देखिए इनको 5, 7 = 35, 35 × 11 × 13 करेंगे तो 35 × 11 = 33, 11 + 11 + 3 = 14 और 35 × 143 करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए 35 × 3 = 5 और ये आ जाएगा 005005। ओके फ्रेंड्स, 5005 या एलसीएम आया इनका। तो अब क्या करेंगे हम जो है इस 5005 में से ये जो 3 कांस्टेंट डिफरेंस था इसको माइनस कर देंगे, तो देयरफॉर लीस्ट नंबर = 5005 - 3, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5002। और इस तरह से देखेंगे 5002 ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, the average of 5 consecutive odd positive integer is 9, then the smallest integer is, options are 5, 3, 1 and 7। friends, इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूं मैं। देखिए कह रहा है कि यहां क्रमिक 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो औसत है वो 9 है, तो उसमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी या सबसे छोटी इंटीजर्स कौन सी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं लगातार और उनका एवरेज 9 है, तो इसका मतलब है कि उन ऑड इंटीजर्स में से 9 जो है वो मिडिल में आएगा। 9 मिडिल में आएगा तो ये 2 इसके बाद होंगे और 2 इसके पहले होंगे, यानी तीसरे प्लेस पर 9 आ गया क्योंकि वो एवरेज दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और ये बोला है कि यहां पर कि ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो इसका मतलब है कि 9 के पहले कौन सा ऑड नंबर होगा, 7 होगा। 7 से पहले कौन सा ऑड नंबर होगा, 5 होगा। 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर होगा, 11 होगा। 11 के बाद 13 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑड नंबर्स हैं, ये सभी ऑड नंबर्स पांचों हमको मिल गए। अब इसमें से सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो है 5, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। और ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो 5 हो गया और वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ
अंडर रूट 4 क्यूब प्लस 15 स्क्वायर ऑफ होल क्यूब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में यह कह रहा है कि अंडर रूट 4 क्यूब प्लस 15 स्क्वायर ऑफ होल क्यूब का मान क्या होगा। ऑप्शन है फ्रेंड्स 4313, 4193, 4913 एंड 3943। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए ये अंडर रूट दिया है 4 क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 होता है। ओके फ्रेंड्स, स्क्वायर के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और क्यूब के लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए, देखिए अपकमिंग डेज में, तो वो जल्दी ही मैं बना दूंगा, तो जिससे आपको बड़े से बड़े नंबर का भी क्यूब या छोटे छोटे नंबर का क्यूब तुरंत निकालने आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर 4 क्यूब 64 है और 15 स्क्वायर 225। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289, अंडर रूट 289 ऑफ होल क्यूब, और अंडर रूट 289 की वैल्यू 17 होती है, तो 17 का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, और 17 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 4913। तो ये देखिए 4913 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए इसके लिए क्यूब, जैसे 17 का क्यूब मैंने तुरंत बताया, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे कि बड़े से बड़े नंबर का या छोटे छोटे नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको भी तुरंत क्यूब निकालना आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, देन व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ऑप्शन आर 33 होल 1/3% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, 25% लॉस एंड 33 होल 1/3% लॉस। तो फ्रेंड्स इसको हिंदी में पढ़ देता हूं, ये कह रहा है कि यहां पर कि 16 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और कितने परसेंट होगा ये बोल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए 16 माइनस 12 कर दीजिए और अपॉन 12 जो कॉस्ट प्राइस है और इनटू 100। ओके फ्रेंड्स, ऐसे तो ये देखिए 16 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 12 इनटू 100, तो 4 से ये 12 कैंसिल करेंगे 3 आएगा और 100 अपॉन 3, और 100 अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं 33 होल 1/3%। तो ये देखिए, और ये प्लस में आया है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, प्लस में आया तो प्रॉफिट, तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसको डिटेल में अगर देखना है आपको, तो ये देखिए जैसे कि यहां पर एक पेन की कीमत, एक पेन की सीपी 1 रुपए ले लेते हैं, तो 16 पेन की सीपी क्या हो जाएगी, 16 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, और 12 पेन की सीपी क्या हो जाएगी, 12 पेन की सीपी 12 रुपीज हो जाएगी, और 12 पेन का एसपी, 12 पेन का एसपी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एसपी सेलिंग प्राइस, तो ये देखिए सेलिंग प्राइस 16 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बोला है कि 12 पेन 16 पेन की जो सीपी है वही 12 पेन की एसपी है, तो 16 पेन की सीपी 16 रुपए है, तो 12 पेन की एसपी भी 16 रुपए हो जाएगी। अब देखिए यहां पर 12 पेन का सीपी 12 रुपए और 12 पेन का एसपी 16 रुपए, इसका मतलब यहां पर इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपए। तो फॉर्मूला आप जानते ही है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपए। देखिए 12 रुपए में खरीदा, 16 रुपए में बेचा, तो 4 रुपए का फायदा हुआ, तो प्रॉफिट की जगह 4 रख देंगे और सीपी की जगह 12 इंटू 100, और 4 अपॉन 12 इंटू 100 करेंगे तो 100 अपॉन 3 मीन 33 होल 1/3%। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन करेक्ट ए है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड आफ्टर दैट 10% डिक्रीज्ड ऑफ दैट इंक्रीज्ड नंबर, देन नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। द ऑप्शंस आर 1% डिक्रीमेंट, 2% इंक्रीमेंट, 0.1% इंक्रीमेंट, 0.2% डिक्रीमेंट। फ्रेंड्स इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, कह रहा है कि एक नंबर को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसी बढ़े हुए नंबर को 10% घटाया गया, तो जो फाइनल या नेट इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट,
ओरिजिनल नंबर से डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट, ये बताना है कम होगा या ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अभी छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर दीजिए, और अगर नहीं बना या बन भी जाएगा जैसा भी रहेगा इसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स।